ये मुजफ्फरनगर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अब से पहले तक थी कि यहाँ सिंदावली गांव के पास नेशनल हाईवे पर नेशनल हाईवे शुरू हो गया, 10 वर्ष को शुरू हो गए, उसके बावजूद यहाँ पर पुल का चौड़ीकरण नहीं हो पाया था। एक संकरा पुल था जिस पर आए वर्ष सैकड़ों दुर्घटनाएं होती थी, 100 से अधिक लोगों की मौत इस पुल पर हुई है। हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आदरणीय नितिन गडकरी जी, डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे माने सांसद और केंद्रीय मंत्री और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ये लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट ये यहाँ पर स्वीकृत हो पाया। और यहाँ पर एक धार्मिक स्थल था, एक मदरसा यहाँ पर था जिसको लोग हटा नहीं पा रहे थे, समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में वो हट नहीं पाया था। वो डॉक्टर संजीव बालियान जी के प्रयास से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के प्रयास से वो हट पाया। उसके हटने के कारण इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इस पुल का नामकरण भगवान राम जो हम सब के लिए मर्यादा पुरुष हैं, जो सारे संकटों को हरण करने वाले हैं, उनके नाम पर श्री राम पुल संधावली ऐसे करके पुल का नामकरण आज हम सब लोगों के द्वारा किया, राम सेतु संधावली। मैं ग्राम प्रधान संधावली कीर्तन सिंह, आज हमारे गांव में संधावली पुल का उद्घाटन हुआ है। जो एक साइड करीब 14 वर्षों से रुकी पड़ी थी, उसमें हमारे मंत्री जी संजीव बालियान और कपिल देव जी ने उद्घाटन किया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गांव में कम से कम इस बाईपास पे 56 मौतें हो चुकी हैं। ये करीब 14 साल से पुल एक साइड बंद पड़ी थी। इसका श्रेय हमारे संजीव बालियान जी जो हमारे सांसद हैं, मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका पूरा श्रेय है। इस पुल को बनवाने में पूरा सहयोग रहा है। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गांव, पूरे क्षेत्र के सब लोग, पूरा ज़िला उनके साथ है। दुर्घटनाओं में कमी आएगी? हाँ, दुर्घटनाओं में कमी आएगी जी। जब एक साइड चल रही थी, अब दोनों साइड चलेंगी तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। देखिए, कहना तो यही है कि 14 साल बाद पुल बना, 56 लोगों की मौत यहाँ हुई। मुजफ्फरनगर के ऊपर बदनुमा दाग था, बाहर के लोगों की मौत हुई तो मुजफ्फरनगर कभी नहीं भूल सकते। आज मुजफ्फरनगर की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस पुल का शुरुआत हुई है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा लंबा संघर्ष था, 14 साल के संघर्ष के बाद आज पुल का निर्माण हुआ।